पटना से खबर सामने आई है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, तो वहीं आरजेडी के सभी सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी बैठक में रहेंगे मौजूद। झारखंड और बिहार विधानसभा को लेकर के चर्चा होगी बैठक में, तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी चर्चा। पार्टी की बैठक में लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले, तो वहीं 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो बैठक में तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी चर्चा होगी। बिहार विधानसभा को लेकर के चर्चा होगी और बैठक में तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए आरजेडी सुप्रीमो की जहां ये बैठक है, तो वहीं तमाम चीजों को लेकर के चर्चा, फिर चाहे वो चुनाव हो या फिर तेजस्वी यादव की आभार यात्रा का अगर हम जिक्र करें। अब बिल्कुल अंकुर, देखिए आरजेडी का कह सकते हैं कि एक दिवसीय आज बैठक है और ये बैठक जो है वो लालू यादव के आह्वान पर बुलाई गई है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, तमाम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। करीब 10 से 15 मिनट का और वक्त बचा हुआ है जब खुद लालू यादव जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि थोड़ी देर में ही जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव के बिहार दौरे को लेकर खासकर ये बैठक कह सकते हैं कि मानी जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो 4 अलग अलग जिलों के दौरे पर पहले चरण में जाने वाले हैं, जहां पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे पहले तेजस्वी यादव जो है वो जाएंगे। उसकी शुरुआत समस्तीपुर से होने वाली है और अभी फिलहाल जो भीड़ है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर का और वक्त बचा हुआ है जब तेजस्वी यादव, लालू यादव यहाँ पर आएंगे, अंदर बैठक होने वाली है। हालांकि फिलहाल किसी को जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, केवल जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो केवल अंदर जा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नेता जो है वो अंदर नहीं जाने वाले और इंतज़ार जो है वो लालू यादव के आने का हो रहा है। ये अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार जिन नेताओं को बुलाया गया है वो यहाँ पर आए हुए हैं अंकुर। और थोड़ी देर का और वक्त जो हमने पहले भी बताया, लालू यादव आएंगे तो तमाम बातें जो हैं वो साफ़ होंगी किन किन मुद्दों पर अंदर बातें होने वाली है। लेकिन इससे पहले ये बात साफ हो गई है कि तेजस्वी यादव का जो बिहार दौरा होने वाला है उसको लेकर खासकर अंदर जो बातें हैं वो होंगी, क्योंकि 4 जगहों पर जो है ये तेजस्वी यादव का दौरा होने वाला है। उसकी शुरुआत 10 तारीख से होगी जब तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचेंगे, 2 दिनों का समस्तीपुर दौरा होगा, उसके बाद दरभंगा जाएंगे, मधुबनी, मुजफ्फरपुर होते हुए फिर बिहार आएंगे, फिर दूसरे चरण में जो दूसरी यात्रा है वो शुरू होगी। यानी कि पहले चरण में 4 जिलों की यात्रा होगी और इसी तरीके से जो यात्रा है प्रतिबद्ध तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अब ये अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लालू यादव थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे तो बैठक शुरू हो जाएगी, तेजस्वी यादव भी रहेंगे, शक्ति यादव है हमारे साथ, सर आज बैठक शुरू हो गई है, लालू यादव भी रहेंगे। पहले चरण में 4 जगहों पर जो होने वाली वो 4 बता, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर से शुरुआत की गई है, संगठन को ध्यान में रख करके बनाया गया है, संगठन धारदार मजबूत हो बूथ लेवल पर, यह हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है, कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने रहे, मुलाकात हुई करीब 5 महीने के बाद। संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन समान प्रक्रिया का हिस्सा होता है, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री जब संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद, सूचना आयुक्त का नियुक्ति था उसमें गए थे। भाजपा को डरता है तो डरने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे की कृपा पार पर रहती है, राजद जो है लंगड़ाई के साथ जनता के हित में, रोजगार के हित में, रिस्पेक्ट के हित में काम करता है। सवाल है, लालू यादव ने जो सोशल मीडिया पर लिखा था और कहा था जातीय गन्ना को लेकर, तो क्या जातीय गन्ना को लेकर? जातीय गन्ना तो कराना ही पड़ेगा, राधे या विरोध है, चाहे कान पकड़ कर उठा बैठी करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे। तो देखिये ये साफ है की कान पकड़ के भी उठा बैठी कराएंगे लेकिन जातीय गन्ना कराएंगे, ये शक्ति यादव का कहना है। लगातार ये बातें उठ रही है बिहार के संदर्भ में की जातीय गन्ना जिस तरीके से बिहार में हुआ अंकुर, वैसे ही पूरे देश में भी होना चाहिए। अब इसको लेकर व्यापक बात करी और हमने तमाम चीजों को भी सुना, हालांकि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ जहां बैठक में झारखंड के अगर हम चुनाव की बात करें, इसके साथ साथ बिहार चुनाव की बात करें, फिर तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं उसको लेकर के चर्चा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मूल विषय भी रहने वाला है कि सरकार को कैसे घेरने का काम किया जाए और खासतौर पर बीजेपी को कैसे घेरा जाए और उसके लिए रणनीति तैयार होगी।
अब बिल्कुल देखिए, रणनीति कई तरीके के अंदर तैयार होने वाली है, क्योंकि जब लालू यादव और तेजस्वी यादव रहेंगे तो संभवतः ये माना जाता है कि अलग अलग बातें जो है वो अंदर होंगी। जब तमाम सांसद और विधायकों के साथ लालू यादव की ये बड़ी बैठक होगी तो ये भी बात तय है कि वो जातीय गद्दा हो, बिहार की राजनीति को लेकर हो, झारखंड की राजनीति को लेकर हो, तमाम चीज़ों पर बात होगी। लेकिन जो तेजस्वी यादव की जो पहली यात्रा शुरू होने वाली है, यानी कि 4 जिलों में तेजस्वी यादव रहेंगे, हर जिलों में 2 दिन तक तेजस्वी यादव रहेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसभा नहीं करेंगे लेकिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। इसकी शुरुआत जब 10 तारीख से समस्तीपुर से होगी तो माना जा रहा है कि व्यापक तरीके से इसे सामने रखा जाएगा और इसी तरीके से आने वाले समय में पूरे बिहार का दौरा तेजस्वी यादव करेंगे और इसके बाद जब चुनाव होगा तो इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, साथ ही साथ देखिए सोशल साइट के माध्यम से लालू यादव हो लगातार हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो उनके द्वारा भी लगातार ये हमला किया जा रहा है और ऐसे में अब बिहार दौरा, तो कहीं ना कहीं लालू यादव के एक्टिव होने से कितना फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या वाकई में पूरी तरीके से आरजेडी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है? और बिल्कुल देखिए, अगर लालू यादव राजनीति में सक्रिय होते हैं तो ये बात साफ हो जाती है, क्योंकि लालू यादव एक काफ़ी बड़े छवि के नेता हैं और केवल बिहार के नेता नहीं देश के छवि के नेता माने जाते हैं। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं यूपीए सरकार में, तो ये बात साफ रहती है कि जब लालू यादव सक्रिय हों राजनीति में तो बिहार में एक चिंता का विषय विपक्ष के लिए ज़रूर हो जाता है। अब ऐसे में जब लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ये बात कही कि देश में जातीय गणना करा कर रहेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय एनडीए के लिए भी ज़रूर हो गया है कि लालू यादव क्या सच में सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, और अगर सक्रिय राजनीति में हैं तो आने वाला समय एनडीए के लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा। अंकुर, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सूचना क्या, हम लोग बहुत दिन से बैठक नहीं किए थे, आज करने जा रहे हैं, विचार विमर्श होगी, बढ़िया से सबको बात बोल रहे। अब वो हाई लेवल की बात है, दोनों आदमी दोनों आला पैमाने के नेता मुलाकात किए हैं, कुछ न कुछ बात तो होगी। कार्यकर्ता संवाद माननीय नेता विरोधी दल का प्रारंभ होने वाला है 10 तारीख से, और उसी कार्यकर्ता संवाद में क्या दिशा निर्देश पार्टी का होगा, किस तरह से कार्यकर्ताओं से कौन कौन लोग उस संवाद में शामिल होंगे, जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसको आज बताया जाएगा तमाम विधायकों को, तमाम जिला मुलाकात के बाद ये बैठक बुलाई गई है, बड़ी बैठक नहीं, बैठक पहले बुलाई गई है, जो हम लोग को सूचना पहले दिया गया था बैठक का, बाद में मुलाकात हुई है। टीवी दल के लिए सामान्य प्रक्रिया है, दल है तो बैठक तो होगी। किस मुद्दे पर ये बैठक हो रही है, किस विषय पर कुछ जानकारी? मुद्दे होंगी जातीय जनगणना, लालू जी ने ट्वीट किया है ना कि हर हालत में जातीय जनगणना देश में होगा, और सत्ता जो है वो किसी का अपना रखेल तो है नहीं, सत्ता तो जनता के हाथ में होती है, जब चाहेगा बदल देगा। तो लालू जी की बात अगर देश के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को भाएगा तो जरूर देश में जातीय जनगणना होगी। आज की मीटिंग सर किस लिए बुलाई गई? बताया तो कल नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात और आज बैठक। विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका यही होती है ना कि भाई बिहार में घटनाएं हो रही हैं, बिहार में दलित बेचारा असहाय है, अगर दलित असहाय नहीं होता तो वो अशोक चौधरी चुप बैठ जाते क्या? नहीं बैठते। तो देख लिया ना कि दलितों में कितनी ताकत है,